कैलाश शर्मा भनाट व्यापारी। इस नाटक में इनको आप लोग कैलाश शर्मा के रूप में जानेंगे, देखेंगे। और कैलाश शर्मा की भूमिका में है मिथिलेश कुमार। कैलाश शर्मा धनाट व्यापारी इसकी भूमिका में है मिथिलेश कुमार। कैलाश शर्मा हाँ, अब इन पर गौर फरमाइए। ये हैं मनोहर लाल, मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं मनोहर लाल। और मनोहर लाल की भूमिका में विनोद कुमार। मनोहर लाल मध्यम वर्गीय व्यापारी। ये हैं सरोज, कैलाश शर्मा का पुत्र सरोज। अभी अभी जो आपके सामने उपस्थित हुए थे कैलाश शर्मा धनाट व्यापारी, उनके ये पुत्र हैं। और सरोज की भूमिका में है प्रेमचंद कुमार। हाँ, इन पर गौर फरमाइए भाई यो बहनों। राम भरोसे, कैलाश शर्मा का नौकर राम भरोसे। और राम भरोसे की भूमिका में है केशव कुमार। हाँ, ये देखिए सिपाही जी हैं, जेल के सिपाही हैं भाइयों बहनों। और सिपाही की भूमिका में विनय कुमार। जेल के सिपाही हैं ये, और सिपाही की भूमिका में विनय कुमार। मिस्टर कपूर सीआईडी इंस्पेक्टर हैं। वेशभूषा से आप लोग अचंभित हो रहे होंगे, लेकिन आगे की कहानी में देखेंगे इनकी भूमिका। सीआईडी इंस्पेक्टर मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर की भूमिका में नीतीश कुमार। हाँ, अब इन्हें देखिए गौर फरमाइए भाइयों बहनों। सुरेश अर्ध पागल, आधा पागल है ये। हाँ देखिए, आधा ही पागल है सुरेश। और सुरेश की भूमिका में है प्रमोद कुमार। क्या बात है, बहुत खूब। हाँ भाइयों बहनों, पंडित आप लोग बहुत देखे होंगे। अब इन पंडित जी पर भी गौर आइए जरा। पंडित जी हैं, पंडित जी की भूमिका में अमरनाथ कुमार। जोरदार थाली बजानी चाहिए भाइयों बहनों। वाह, बहुत खूब। हाँ आइए, अब स्त्री पद की ओर चले। शीला मनोहर लाल की लड़की है ये। मनोहर लाल मध्यम वर्गीय व्यापारी, उनकी लड़की है शीला। शीला की भूमिका में राकेश कुमार। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये है राधा, मनोहर लाल की पत्नी, मध्यम वर्गीय व्यापारी मनोहर लाल, उनकी पत्नी है ये। और राधा की भूमिका निभा रही है सुजीत कुमार। हाँ, तो इस तरह हमारा पात्र परिचय का कार्यक्रम यही संपन्न हुआ। अब आइए चाय तो लाना। अभी आया मालिक। अच्छा तो आप सुनाइए, कैसे आना हुआ? सुनाऊं क्या? मैंने शीला और सरोज के संबंध में जो कहा था आपने स्वीकार किया या नहीं? हाँ हाँ, विचार किया है। लीजिए चाय पीजिए।
चल जाओ जाओ चल आता नहीं बैठा आता नहीं बैठा बाहर आ जाओ बाहर आओ तो सच को है अच्छा रिश्ता मुझे मंजूर है लेकिन लेकिन क्या देखिए बुरा ना मानिएगा सवाल दहेज का है अच्छा ये बताइए दहेज में क्या लेना चाहते हैं मोहनलाल जी यह तो आप अच्छी तरह जानते हैं मेरा सरोज लाखों रुपये का कारोबार करता है और देखने सुनने में बुरा तो नहीं है यह तो मैं अच्छी तरह जानता फिर भी जानना चाहता हूँ आपकी मांगे क्या क्या है दहेज तो कोई ज्यादा है नहीं थोड़ा ही समझिए फिर भी यही कोई 10 लाख नगद लड़के के लिए एक गाड़ी 5 तोले सोने का एक चेन टेलीविजन फ्रिज इत्यादि और क्या हाँ एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा इन बातों की खबर किसी के कानों तक नहीं जाना चाहिए शर्मा जी इतनी बड़ी रकम इतने सारे सामान इसे भी आप थोड़ा कर रहे हैं इन बातों की खबर किसी के कानों तक नहीं होने दूंगा मेरे ख्याल से मनोहर लाल जी कोई ज्यादा मांग तो नहीं की है हम लोग आपके ख्याल से जो शर्मा जी शर्मा जी बड़े दुख की बात है बड़े दुख की बात है आप जैसे ईमानदार सुयोग्य व्यक्ति क्या बोला गल पीछे घसा के यह शादी हो वरना ना हो शर्मा जी आप यह ना भूलें दहेज लेने और देने वाले के विरुद्ध कानून लागू कर दिया गया है क्या शायद आप मुझे धमकी दे रहे हैं कानून कानून तो आप लोगों के लिए होगा मनोहर लाल जी मुझ जैसे लोग कानून को जेब में रखते हैं खैर छोड़िए इन बातों को मैं आपको धमकी नहीं दे रहा था जो सच्चाई है उसे बता रहा था अच्छा आप ये बताइए इस रिश्ते को मैं पक्का समझूं अगर हमारी मांगें आपको मंजूर हो
तो पक्का ही समझिए, वरना वरना ये शादी नहीं हो सकती, यही ना? हाँ हाँ, नहीं हो सकती। शर्मा जी, अपनी मांगे कुछ कम कर देते तो बड़ी कृपा होती। इसमें कम होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं जो कह देता हूं उस समझ यह पत्थर की लकीर हो गई। आप दोस्ती का भी कुछ ख्याल कीजिए शर्मा जी। शर्मा जी, दोस्ती और व्यापार नदी के दो किनारे हैं, इन दोनों का आपस में मिलना असंभव है, असंभव। आप चाहें तो ये संभव हो सकता है। यह नहीं हो सकता मनोहर लाल जी, मेरी मांगे आप यदि पूरी कर सकते हैं तो फिर मिलिएगा, वरना इस रिश्ते को यहीं छोड़ के चले जाइए। ऐसी बातें मत कहिए सर, शर्मा जी, मैं फिर मिलूंगा। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बहुत सुंदर। ये शीला, शीला, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम छुप क्यों गई थी शीला? तुम्हारे डर से। मेरे डर से? हाँ, तुम्हारे डर से। लेकिन क्यों? पहले हाथ छोड़ ना बाबा। छोड़ देने के लिए हाथ थोड़ी पकड़ा हूँ। किसी बात का तो मुझे डर है। किस बात का? कहीं मेरा हाथ पकड़ कर ना छोड़ दो। यार तुम कैसी बातें करती हो शीला? तुम मुझे भूल तो न जाओगे? या मैं तुम्हें छोड़ देने के लिए ही तुमसे प्यार किया हूँ? तुम ऐसी बातें मत सोचा करो। हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। सरोज, जाने क्यों मेरा दिल आज धड़क रहा है, बहुत डर लग रहा है। तुम अपने सीने में मुझे छिपा लो। तुम डरो नहीं, मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं। एक बार कह चुका हूँ शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे। अपने प्यार के बीच खड़े होने वाले सभी दीवारों को तोड़ दूंगा। अगर पिताजी ने मेरी शादी कहीं और की तो समझ लो वह सरोज की शादी नहीं, सरोज की लाश की शादी होगी। सरोज, वीडियो नहीं बोली, तुम अपने पिताजी से क्यों नहीं पूछते? बात करूंगा, पूछूंगा, बस थोड़े ही दिनों की और बात है। क्या तुम उनसे कहने में डरते हो? नहीं शीला, मैं डरता नहीं, लेकिन अभी कुछ मजबूरियां हैं। सरोज, एक बात पूछूं,
हाँ हाँ पूछो। जो आज तक तुमने नहीं बताया वो मुझे बता दो। वह क्या? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है और वे क्या करते हैं? अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकती। यही हाल मेरा है, मैं भी कुछ नहीं बता सकता। खैर जब समय आएगा तो सब मालूम हो जाएगा। सरोज मैं डरती हूँ क्योंकि मैं नारी हूँ, लेकिन तुम पुरुष होकर भी डरते हो। मैं क्या जानती थी कि तुम इतने कायर हो। कभी कभी मैं भी यही सोचने लगता हूँ, मैंने क्यों प्यार किया तुमसे। अच्छी बातें नहीं है, इस तरह तो हमारा प्यार बदनाम हो जाएगा। प्यार इतना घटिया और सस्ता नहीं जिसे लेकर हम भागते फिरे। प्यार तो एक महान पूज्य शब्द है, बस थोड़े ही दिनों की और बात है। आवाज बोलो। आज मैं बरसों से यही सुन रही हूँ, और कितने दिन तक इंतजार करवाओगे? अब ज्यादा दिनों तक नहीं, बहुत जल्द हम दोनों विवाह के बंधन में बन जाएंगे। सरोज तुम मुझे भूल तो ना जाओगे? नहीं शीला, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम मुझ पर विश्वास तो करो। अब विश्वास नहीं हो पा रहा है सरोज। इस तरह के प्यार के नाटक में दो पात्र होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। ओ शीला, तुम ऐसी बातें मत करो। मैं प्यार के दामन में कोई दाग नहीं लगने दूंगा। मैं तो प्यार को उस ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूँ जहाँ लोग पूजा करे। अब चलो, बहुत देर हो गई। आओ चले। जोरदार ताली बजानी चाहिए भाइयों बहनों।